नमस्ते सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आइए आज दर्शन करते हैं वशिष्ठ शिव मंदिर, जो कि असम में गुवाहाटी के संध्याचल पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर 1750 के दशक में आहोम राजा राजेश्वर सिंह जी ने बनवाई थी। माना जाता है कि इस स्थान पर यानी संध्याचल पर्वत पर कवि वशिष्ठ मुनि रहा करते थे और यहीं पर उन्होंने अपनी समाधि ली थी, इसीलिए इस मंदिर का नाम वशिष्ठ शिव मंदिर है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि मंदिर के अंदर कैसा है, क्या है और हम लोगों ने मंदिर दर्शन करते हुए क्या क्या किया और यही सब देखते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह है गेट वशिष्ठ आश्रम मंदिर का। हम आगे बढ़ रहे हैं गाड़ी पार्किंग करने के लिए। आगे वो एक बड़ा सा जगह मिलेगा जहां पर हम लोग गाड़ी पार्किंग करेंगे। यही जगह में सामने जो पहाड़ दिख रहा है, ये इसका नाम है संध्याचल पर्वत, जहां पर ऋषि वशिष्ठ कभी रहा करते थे। और ये रहे दुकानें जहाँ पे जरूरत की सामान पाई जाती है। यहाँ पर टिकट मिलता है 2 व्हीलर का 10 रुपीज, 3 और 4 व्हीलर का 20 रुपीज ओनली। तो जरूरत के सामान आप लोगों को यहीं पर मिल जाएगा। माला वगैरह, शायद फूल वगैरह आगे मिल जाएंगे। कौशिकी ने रुद्राक्ष का माला ले लिया है चढ़ाने के लिए। गाड़ी पार्किंग करके हम लोग मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सामने देख पा रहे हैं फल फूलों के दुकान स्टॉल लगे हुए हैं। परिवेश बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पर सामने मंदिर का गेट दिख रहा है। ये रहे स्टॉल फूल फलों के। तो यहाँ पे सारी दीदियाँ चिल्लाती हैं, लेकिन आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। कोई एक को डिसाइड करके उनके पास जाना है। हम मैंने चूज किया है इन वाले दीदी को। अभी दीदी हमें दुर्वा और तुलसी पानी से हाथ धुलाएंगी। कौशिकी ने रुद्राक्ष का माला धो लिया, वो चढ़ाने वाली है। और अभी मैं भी धोंगी अपना हाथ, दीदी हमें पानी से हाथ धुलवाएंगी। ये नियम मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, यूनिक लगा। कहीं पर ऐसा मुझे आज तक मिला नहीं था। मैंने अपने दोनों हाथ धो लिया, अभी आगे बढ़ते हैं। ये रहा मंदिर कमेटी और हम लोगों ने अभी प्रसाद ले लिया है। ढक करके एकदम सुंदर सजा करके दिया है। ढकने का कारण है कि यहाँ पे दुकानी लोग कहते हैं कि बंदर मामा बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, तो हम लोगों को डर के मारे ढक के ले जाना पड़ रहा है। देखते हैं कि मंदिर तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है हमारा फल प्रसाद। अगर पहुँचता है तो पहुँचता है, भगवान के पास नहीं पहुँचता है तो बंदर मामा ही खा लेंगे, कोई बात नहीं। ये कौशिकी को मिल गया बकरी। हम लोग लेकिन उसको बोलते हैं अभी नहीं खेलना है, बाद में आके खेलना, बोल के उसको कौशिकी को लेके मंदिर की ओर जा रहे हैं। और ये देखिए सुंदर मंदिर का देवालय का गेट। और लेफ्ट साइड में एक जूता रखने का, जूता चप्पल रखने का जगह है। हम लोग जूता चप्पल रख के देवालय की तरफ जाने के लिए आ रहे हैं। हमें वेलकम करने के लिए बंदर मामा पहन पैजामा भी एकदम इंतज़ार कर रहे हैं गेट में। देखते हैं क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं या छोड़ देंगे। उनके छोटा बच्चा भी आ गया उनका। हम लोग अभी बचते बचाते पापा श्री टोकरी को एकदम पास में लगा के जा रहे हैं देवालय की ओर। देखते हैं बंदरों का अटैक होता है या हम बच के निकल जाते हैं। तो ये देखिए पापा श्री कैसे बचते बचाते बंदर को देख बचते बचाते जा रहे हैं। और ऊपर से मंदिर दर्शन करके लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं और हम नीचे से अभी मंदिर दर्शन करने के लिए ऊपर जा रहे हैं। सुबह का समय है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए ये रहा मंदिर का अंदर का नज़ारा। और अंदर घुसते ही कौशिकी को दिख गया वापस से पहन पैजामा बंदर मामा जी। लेकिन हम इनका वीडियो अभी नहीं बनाएंगे, समय नहीं है। सबसे पहले हम लोग पूजा कर लेंगे। पूजा करने के लिए इधर राइट साइड में मंदिर है, तो राइट साइड में जाने के लिए इधर साइड में मुझे एक रास्ता जैसा भी दिख रहा है, कहीं और जाने का रास्ता होगा ये, कोई और मंदिर जाने का जगह का जाने का होगा। और ये राइट साइड में ये देखिए स्टैंड लगा रखा है सुंदर से। यहाँ पे धूप और दीप जलाया जाता है, डिसिप्लिन है। और कौशिकी देख रही है, एक्सप्लोर कर रही है क्या क्या है आगे। तो हम लोगों ने धूप और दीप जला लिया है बाहर स्टैंड में और अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं पूजा के लिए। कौशिकी भी बकरी के साथ खेल रही थी बाहर और अभी अंदर जा रही है पूजा करने। मैं पीछे पीछे हूँ, वीडियो करके सब कुछ आप लोगों को दिखा के अंदर जाऊंगी मैं भी पूजा। मंदिर में घुसते ही कौशिकी को दिख गया एक बहुत बड़ा दौबा। तो इसको हम लोग दौबा बोलते हैं असम में, बहुत बड़ा ड्रम है, हर मंदिर में रहता है असम के अंदर। तो कौशिकी को बहुत पसंद है बजाना, वो बजा रही है, कर रही है। ये बजा रहे हैं मंदिर की ओर। मंदिर पता नहीं अंदर वीडियो करना प्रोहिबिटेड है या नहीं है। मैं यहाँ से इतना करती हूँ, अंदर पूछ के करूँगी। यहाँ से ऐसा दिखता है, ये किसी राजा ने बनाया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। गणेश जी है, गणेश जी का मूर्ति है, आहोम राजा ने बनाया हुआ है। मैंने पंडित जी से परमिशन ले लिया है वीडियो बनाने का। जिन लोगों को भी वशिष्ठ शिव मंदिर का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक, सभी लोग दर्शन कर लें। ये रहे हमारे भोलेनाथ जी। अभी पूजा करके हम लोग बाहर जा रहे हैं।
तो पूजा करके हम लोग बाहर निकल गए हैं। ये देखिए दिए का ओम बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। आइए अभी पीछे मंदिर के पीछे की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है बाहर, चारों तरफ मंदिर के चारों तरफ क्या क्या है देखते हैं। इधर ऐसा है, पंडित जी बैठे हुए हैं, मंदिर है, मंदिर का पीछे है जहाँ पे हम लोगों ने नमो कर लिया। और ये देखिए पीछे झरना है, बहुत बड़े बड़े पत्थर, ये टाइल्स लगा दिया है पूरा, पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ पत्थरों का था, ये देखिए पूरा टाइल्स से फिनिशिंग कर दिया है, सुंदर लग रहा है। और ये देखिए झरना है और बड़े बड़े पत्थर है, लोग फैमिली के साथ आते हैं, कोई अपनी माँ को लेके आ रहा है, कोई अपने फैमिली के साथ बीवी बच्चों के साथ आ रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं आकर के। उसके बाद यहाँ से व्यूज देखने के बाद हम नीचे जा रहे हैं। बाबा धीरे धीरे, मुझे देख के गई है, अब तक नहीं आई हूँ मम्मी, खाली फोटो वीडियो ही बनाती रहो आप, क्या करने आओ बोल रही है। अच्छा ये नंदी बाबा नहीं है, चूहा है। ओ अच्छा अच्छा चूहा है, तो फिर कौन से भगवान का मंदिर है बताओ? गणेश जी का मंदिर है। हाँ ये रहा वशिष्ठ, ये रहे बाबा वशिष्ठ मुनि, हाँ उनका स्टेच्यू मूर्ति बना रखा है यहाँ पर, उनको नमो करना पड़ेगा वशिष्ठ मुनि, हाँ पकड़ के नमो करना। चूहे से भी परमिशन ले लो गणेश जी से मिलने का। फिर से मैंने भेजा है उसको अच्छे से पाँव पकड़ के, चूहे महाराज से भी परमिशन ले लिया अंदर घुसने के लिए। आ जाओ, परमिशन दे दिया, हाँ जाओ अभी, बोला अभी घंटी बजाओ, पहुँच पाओगी, जंप करो, बिना जंप किए पहुँच गई, वाह। अरे इसमें इसमें थोड़ा, ये थोड़ा लंबा है ना, ऊंचा है ये, ऊंचा है ये बीच वाला, आराम से मिला है ना। ऐसा है गणेश जी का मंदिर, अंदर का शायद वीडियो अलाउ नहीं है, पूजा कर सकते हैं। ओ अंदर ऐसा है, यहाँ से दिख रहा है, कहना चाहती हूँ भक्तगणों के लिए जो नहीं आ पाए हैं, उन सब के लिए जो नहीं आ पाए उन सब के लिए गणेश जी का। अभी हमने कर लिया है भगवान की पूजा और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने पेट की पूजा करने। ये देखिए ये बंदर के उत्पात, अच्छा लग रहा है इन लोगों को देख के, ऐसे मस्ती करते हुए इन लोगों को देख करके हम लोग ऐसे नीचे जा रहे हैं, जा करके एक होटल ढूंढेंगे, नीचे बहुत सारे हैं खाने के स्टॉल, वहाँ पे जाएंगे और कुछ थोड़ा सा खा लेंगे, खाना खा करके फिर इन लोगों के लिए तो लेके आए हैं चने वगैरह लेके आए हैं, वो लेके आएंगे और इन्हें खिलाएंगे फिर हम लोग। फिर श्री श्री विष्णु होटल में हम लोगों ने अपनी पेट पूजा कर ली अच्छे से, तो मंदिर में भगवान की पूजा करके फिर अपना पेट पूजा भी कर लिया है हम लोगों ने। फिर हम लोग आए हैं गाड़ी में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, और ये देखिए बंदरों के लिए चना भिगो के लाई हूँ मैं, अभी देंगे उन लोगों को जा करके। और ये नारियल का लड्डू है हमारे लिए, और ये हमारे लिए चना है जिसमें नींबू मिर्ची नमक डाल के खाएंगे ताकि ताकत मिले हमें। ये पानी है, ये चावल है चिड़ियों के लिए, ये नींबू मिर्ची है, और कोशी की कुछ खा रही है अपना, और चॉकलेट भी लाई है वो। तो थोड़ा देर गाड़ी में रेस्ट करने के बाद हम लोग बंदरों को और बकरी को और चिड़ियों को दाना देने के लिए आए हैं। तो ये देखिए कहाँ कहाँ से उन लोगों को पता चला, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, सभी लोग खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और हमारा ट्रिप भी यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली मेरे माँ पिताजी के लिए बनाया है, और मेरे माँ पिताजी जैसे बूढ़े लोगों के लिए बनाया है जो कि अपने पैरों से चल के मंदिर का दर्शन नहीं कर पाते, तो वो लोग अपने घर में बैठ कर अच्छे से वीडियो देख कर मंदिर दर्शन करके आनंद उठा सकते हैं। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने माता पिता को ये वीडियो दिखाएँ, और धन्यवाद सभी को देखने के लिए।